गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डील लेके आई हूँ। आई एम हियर एट JW मैरियट सहार मुंबई एंड आई एम हियर टू ट्राई देयर लंच बुफे। बट द ट्विस्ट इज दैट मैं यहाँ पे बिल्कुल भी फुल प्राइस नहीं पे करने वाली हूँ बुफे का। आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन अवेल अ फ्लैट 40% ऑफ ऑन योर मील। आई एम श्योर बहुत ज़्यादा लोगों को इस डील के बारे में पता नहीं है। अगर आप नॉर्मली वॉक इन करते हो तो आपको शायद ये डील नहीं मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हो कि ये डील कैसे अवेल की जा सकती है, बुफे के प्राइसेस क्या है और भी काफ़ी सारी डिटेल्स मैं शेयर करने वाली हूँ। सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल द डिटेल्स। मतलब 5-star का खाना किसे नहीं पसंद है, बट आई नो इट कैन गेट रियली एक्सपेंसिव एंड इसीलिए मैं आज आपके लिए ये स्पेशल डील लेकर आई हूँ। तो अभी चलते हैं, फटाफट से देखते हैं कि बुफे में क्या क्या ऑप्शंस है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो। वेजिटेरियन काउंटर जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के हमस है, पीटा ब्रेड है एंड आई थिंक देर आर ऑल्सो फ्यू सैलड ऑप्शन। तो मैं तो ये कुछ थोड़ा बहुत हमस लेने वाली हूँ विद सम पीटा ब्रेड। थोड़ा सा मुहामरा भी ट्राई कर लेते हैं, लुक्स रियली टेम्पटिंग। साथ में पीटा ब्रेड्स भी ले लेते हैं। लव बेबी कॉर्न। आई एम गोइंग टू ट्राई द मुहामरा एंड पीटा ब्रेड फर्स्ट। और बहुत नटी फ्लेवर है मुहामरा का एंड इट्स वेरी फ्रेश। वॉलनट का तो फ्लेवर एकदम उभर उभर के आ रहा है, सो इट्स वेरी नाइस। इसको देख के लगता है स्पाइसी होगा बट इट्स नॉट ऑल स्पाइसी, काफ़ी टैंगी है। So finally my sushi is here. I'm very excited to try sushi. मुझे sushi बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वेज में इनके पास दो ही ऑप्शंस है sushi में and मैंने दोनों के दो दो पीसेस मंगवा लिए हैं। And I think एक जो है उसमें ना चिलीज़ की कुछ फिलिंग है and जो दूसरी है उसमें मिक्स वेजिटेबल्स की फिलिंग है। सबसे पहले मेरे को ये चिलीज़ वाली ट्राई करनी है बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी न्यू एंड यूनिक एंड आई एम गोइंग टू ईट इट विथ माई हैंड। तो सोय सॉस में इसको डिप कर लेते हैं। ओके, मिक्स वेजीज वाली भी ट्राई कर लेते हैं। डिप इट इन सम सोय सॉस। ओके, सो द सुशी इज डिसेंट बट ये थोड़ी सी ड्राई है फॉर माई प्रेफरेंस एंड दोनों में से आई थिंक आई लाइक द चिली वन बेटर। ये थोड़ी सी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर जो चिली है दैट इज़ लाइक टेम्पूरा फ्राइड, सो बहुत अच्छा लग रहा है। हल्का सा स्पाइसी भी है। यहाँ पे ना अलग अलग वैरायटी की चीज़ भी है एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ चीज़, तो थोड़ा सा लेते हैं। आई थिंक मैं ब्री चीज़ ट्राई करने वाली हूँ बिकॉज आई लाइक ब्री। छोटा सा पीस काट लेते हैं, साथ में कुछ क्रैकर्स भी ले लेंगे बिकॉज चीज़ एंड क्रैकर्स इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे ना बाउस का भी लाइव काउंटर है। सो वॉट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाउस डू यू हैव? दिस वन इज वेज। सो कैन यू मेक मी वन टोफू बाउ? नॉन वेज में यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप के स्टार्टर्स है। देयर इज ज़ाफ़रानी फिश टिक्का विच लुक्स यम्मी, मुर्ग मलाई टिक्का भी है एंड देन देर इज़ गोश्त चापली कबाब एंड ऑल थ्री ऑफ देम स्मेल अमेजिंग। एंड कमिंग टू द वेज स्टार्टर्स विच आई एम गोइंग टू ट्राई, इसमें है पनीर टिक्का, मशरूम की टिक्की एंड आलू टूक। तो यहाँ पे भी तीन स्टार्टर्स है, तीनों थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं प्लेट में। हियर गोज माई पनीर टिक्का। लेट मी ग्रैब वन ऑफ द मशरूम टिक्की। मशरूम की टिक्की लुक्स यमी। और फिर आता है आलू टुक, थोड़ा सा ये भी ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं थोड़ी सी पुदीने की चटनी, नींबू ऑफ कोर्स। सो अभी मैं कुछ चीज़ें लेके आ चुकी हूँ मेरे टेबल पे। मेरे पास है ये चीज़ प्लेटर जो मैंने छोटा सा बना लिया अपने लिए एंड थोड़े से स्टार्टर्स है और ये बाव भी लेके आई हूँ मैं। तो सबसे पहले चीज़ से स्टार्ट करते हैं। ये आई थिंक दिस इज चेडार चीज, स्मोकी, नाइस। तो एक क्रैकर के साथ ये ब्री चीज़ खाते हैं बिकॉज दिस इज़ अ लिटिल सॉफ्ट। ओके,
मैंने थोड़ा सा ये सालसा, आई थिंक इट्स टोमेटो जैम, मैंने वो भी ऐड किया है इसके ऊपर. लेट्स हैव अ बाइट. व्हाट अ कॉम्बिनेशन, क्रैकर्स, चीज एंड सम टोमेटो जैम. दिस इज अ कॉम्बो मेड इन हेवन. चलो अभी बाव ट्राई कर लेते हैं. इसके अंदर टोफू की फिलिंग है. सो दिस इज नॉट बैड एट ऑल. आई थिंक इट जस्ट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ चिली ऑयल. तो मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करके खाने वाली हूँ अभी. दैट्स मच बेटर. स्टार्टर्स ट्राई करते हैं. पनीर टिक्का से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा ये ग्रीन चटनी में डिप करके. यार दिस इज नॉट दैट ग्रेट. ऐसा लग रहा है कोई मसाले ही नहीं है इसमें. मशरूम की टिक्की ट्राई करते हैं. ओह नाइस, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक वेज गलौटी कबाब, वैसे ही लग रहा है. एंड सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे ये टूक लग रहा है, आलू टूक. दिस इज रियली गुड, बहुत अच्छा है. बट थोड़ा सा स्पाइसी भी है. इफ़ यू कैन हैंडल स्पाइस यू लाइक इट. Hi, what do you have in chaat? Ma'am, we have katori chaat, khapri chaat, ragda chaat. You can also have dahi puri, pani puri, shev puri. What would you like? Can I get ragda puri? Ragda puri. So, abhi main ye ragda puri try karne wali hu. Waise to inke menu mein ye nahi tha, but I got it customized and they were very happy to customize my order. So, let's try it. थोड़ा बुफे चेकआउट करते करते मुझे ये यहाँ पे हाउसवे का काउंटर दिख गया. इट्स एक्चुअली सूप बट हाउसवे है, तो इसको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं. तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय फर्स्ट पुटिंग आवर वेजीज इन, उसके बाद उसके ऊपर सूप डाल देंगे. सो कैरेट्स, लेट्स पुट सम कैरेट्स. ये कुछ लीव्स है, ये लीव्स भी थोड़े से डाल देते हैं. आई थिंक दिस इज टोफू, डाल देंगे ये भी. एंड द बेस्ट पार्ट इज फ्राइड गार्लिक, ये तो डालना इज लाइक अ मस्ट. एंड अब इसके ऊपर हम लोग डालेंगे हमारा सूप विच इज द खाउस वे. यू नो दिस इज लाइक द परफेक्ट वेदर टू हैव सम यमी खाउस वे, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है एंड इट्स यू नो नाइस एंड चिली. तो हाउस वे या कोई भी सूप पीने के लिए दिस इज लाइक द परफेक्ट वेदर. सो लेट्स ट्राई इट. यम. देखते हैं मेन कोर्स में क्या क्या है. सब्ज विलायती, वांगी बटाटा भाजी, पनीर बटर मसाला, ये तो मैं डेफिनेटली खाऊंगी. और ये है सिंपल सा दाल तड़का. नॉन वेज में चिकन बिरयानी भी है जो आई विल बी ट्राइंग. लुक्स यम. ये है आंध्रा फिश करी. मटन भी है यहाँ पे, क्योंकि तो चिकन बिरयानी इज़ माय मोस्ट फेवरेट, तो ये थोड़ी सी मैं लूँगी ही. ओके सर, यहाँ पे एक पूरा का पूरा एशियन काउंटर भी है एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ फूड हियर एज वेल. यहाँ पे प्रॉन्स, चिकन, वेजिटेरियन में भी काफ़ी सारे आइटम्स है. देर इज़ मेन कोर्स एंड स्टार्टर्स बोथ. एंड देर इज़ ऑल्सो अ लाइव काउंटर हियर जहाँ पे लाइव आपके सामने फ्राइड राइस बना के दे रहे हैं. मेन कोर्स लेकर मैं आ चुकी हूँ मेरे टेबल पे एंड सबसे पहले आई एम गोइंग टू ट्राई द फ्राइड राइस विथ टोफू इन इट. सो इस टेबल पे सबसे ज़्यादा अगर कुछ एपेटाइजिंग लग रहा है तो वो ये है. ओ सो दिस इज़ लाइक स्टिकी राइस. दिस इज़ रियली गुड. इट हैज़ अ स्लाइट स्वीटनेस ऑल्सो टू इट अलॉन्ग विथ लाइक द हॉटनेस ऑफ द चिली ऑयल. एंड इसमें एडमामे है, स्प्रिंग अनियंस है एंड देयर इज़ लाइक लॉट्स ऑफ फ्राइड गार्लिक ऑन टॉप. दैट क्रंच इज जस्ट अमेजिंग. Let's also try some tofu. Mm.
ये मी गोरेंग नूडल्स ट्राई करके देखते हैं अब। चीज़ आर लाइक लोडेड विद अ लॉट ऑफ वेजीज एंड वेरी सटल फ्लेवर, इसमें ज़्यादा कुछ ओवरपावरिंग बिल्कुल नहीं है, तो प्रिटी गुड। एंड हियर कम्स माय फेवरेट चिकन बिरयानी। वैसे अरोमा तो इसका बहुत अच्छा आ रहा है, देखते हैं टेस्ट में भी अच्छी है भी या नहीं। अगेन वेरी फ्लेवरफुल बट नॉट स्पाइसी एट ऑल। इसमें जो खड़े मसाले हैं ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है बट इट्स नॉट एट ऑल ओवरपावरिंग, सो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। सो गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं लेकर आ गई हूँ मेरे डेजर्ट्स, बिकॉज नो बुफे मील इज कम्प्लीट विदाउट सम डेजर्ट। तो मेरी प्लेट देखकर ऐसा लग रहा होगा कि मैं सारे के सारे डेजर्ट्स लेकर आई हूँ, बट नो गाइज यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी है डेजर्ट्स में एंड दिस इज लाइक नॉट इवन हाफ ऑफ इट। ना कुछ है मेरी प्लेट में कि समझ में नहीं आ रहा है शुरुआत कहाँ से करूँ, बट आई थिंक लेट्स ट्राई द चॉकलेट केक फर्स्ट। दिस इज लाइक सच अ रिच केक, बिल्कुल ज़्यादा स्वीट भी नहीं है। ओके दिस क्रेम ब्रुले लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। वाओ दैट इज सो गुड। तो अभी ट्राई करते हैं ये चेरी पैना कोट्टा। थोड़ा खट्टा ज़्यादा है, चेरीज जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टी है, बट ठीक है इट्स नॉट बैड। ओके आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू ट्राई। ये कोई चीज़ केक टार्ट है। यम्मी। चलो यार मेरा तो हो गया, बहुत पेट भर गया है। आई डोंट थिंक मैं इससे ज़्यादा एक बाइट भी और खा पाऊँगी। सो दैट इज इट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज यमी यमी बुफे। सो मैंने मेरा बिल मंगा लिया है एंड द अमाउंट फॉर टू इज 6,844 रुपीज विद टैक्सेस, बट बिकॉज हमने जोमेटो गोल्ड से बुकिंग किया है वी विल गेट अ 40% डिस्काउंट। सो योर इज हाउ यू पे। तो मैंने मेरा बुकिंग कन्फर्मेशन जो है यहाँ पे निकाल लिया है एंड यू कैन क्लिक ऑन पे बिल एंड जो हमारा बिल अमाउंट है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे विच इज 6,844। प्रोसीड टू कार्ड। हमको डिस्काउंटेड रेट जो मिला है दैट इज 4,056 रुपीज आफ्टर अ 40% डिस्काउंट। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको कहा कि वीडियो के एंड में मैं आपको सारे डिटेल्स दूंगी विद रिगार्ड्स टू दिस डील और कैसे मैंने 40% ऑफ अवेल किया मेरे बुफे मील पे। एंड नो आपको जोमेटो गोल्ड की भी मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है, यू कैन जस्ट यूज़ नॉर्मल जोमेटो। और ऐप पे अगर आप ब्राउज करते हो तो आपको सिर्फ यहाँ नहीं मुंबई के ऐसे काफ़ी सारे 5 स्टार्स है जहाँ पे ये ऑफर देखने मिल जाएगा। इवन 50% ऑफ भी आप अवेल कर सकते हो। आई थिंक एक छोटा मोटा कवर चार्ज होता है जो आपको पे करना होता है वाइल रिजर्विंग योर टेबल। मुझे अराउंड 2 लोगों का कुछ 50 रुपीज पे करना पड़ा टू रिजर्व माई टेबल, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो आई हैव सेव्ड अराउंड 2,800 रुपीज ऑन माई फाइनल बिल विच इज अमेजिंग। एंड नो गाइज दिस इज नॉट अ प्रमोशन फॉर जोमैटो इन एनी वे, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so much for watching. I'll see you next time. Take care. Bye.